गाइस, पिछले वीडियो में आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाया, तो उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहा था कि एडोब फायरफ्लाई में कुछ अपडेट आया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको एक फोटो क्रिएट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इस फोटो का बिफोर एंड आफ्टर देख लो, ठीक है। फोटो को एडिट करने के बाद फोटो कितना ऑसम लग रहा है। तो इस फोटो को मैं क्रिएट किया है कुछ न्यू ट्रिक से, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके में। कैसे क्या है सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। तो चलेगा, इस ज़्यादा बात के बिना आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और क्या करेंगे, हम लोग एडोब फायरफ्लाई बोल के सर्च कर देंगे और फास्ट में जो वेबसाइट आएगा उसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर आपको क्रिएट विथ फायरफ्लाई, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। तो इसमें आपको सिंपली क्या कर देना है, इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर आपको क्लिक कर देना है ऊपर, तो इसमें क्लिक कर देना, उसके बाद बैक आ जाएगा। देन आपको क्या कर देना है, सिंपली नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखो, उसके बाद कॉमेंट मत करना कि हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक कर देना, आप लोग देख लो। तो इसमें आपको जैसे ही क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। अभी क्या कर देना है, सिंपली आपको इस अपलोड इमेज इधर आपको क्लिक कर देना है। अभी जो आपको क्या कर देना है, जो फोटो है इधर ऐड करना है। तो फोटो में क्लिक कर देना, तो फोटो नॉर्मल जो फोटो इधर आ जाएगा, आप लोग देख ही पा रहे हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे, AI बैकग्राउंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फास्ट वाला इस में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फास्ट में जो है माउंटेन ऐड करेंगे। तो क्या कर देना, अभी आपको कुछ इरेज नहीं करना है पिक्चर टैप में जाके, ठीक है। मैं आपको एकदम न्यू ट्रिक दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या कर देना है, सिंपली इस तरह से जो है ड्रॉ करना, आप लोग देख ही पा रहे हो, जो व्हाइट व्हाइट कलर आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इधर एक माउंटेन ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ इस तरह से गलती से आ जाता है मॉडल के ऊपर, तो आपको क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट में क्लिक करना। ब्रश चाहे तो इसका छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, कुछ इस तरह से जो है इरेज कर लेना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे हो किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको इरेज करना। फिर से आपको ऐड में क्लिक करके इस तरह से जो है आपको ड्रॉ कर लेना है। तो मैं ड्रॉ कर लिया, अभी आपको क्या कर देना है, सिंपली पॉम्प्रेट में क्लिक कर देना और आपको क्या कर देना है, इधर लिख देना है फॉग माउंटेन MOUN। तो फॉग माउंटेन लिख दिया, अभी सिंपली क्या कर देना, आपको जेनरेट में क्लिक कर देना। जेनरेट में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद जो है कुछ जो बैकग्राउंड है वो लोग दे देगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाइस, तीन बैकग्राउंड दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला बैकग्राउंड है ये ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला मस्त लग रहा है, सेकंड वाला रख देते हैं। अभी सिंपली क्या कर देना है, स्किप, इसमें आपको क्लिक कर देना, स्किप में क्लिक कर देना। अभी आपको सिंपली क्या कर देना है, जो साइड में देख रहे हो ना, इस साइड में आपको सिंपली क्या कर देना है, रिवर्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ऐड में क्लिक करके जिधर मेरा रिवर्ट चाहिए ना, उधर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना, ठीक है। फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मैं ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर आपको रिवर लिख देना है, रिवर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो रिवर लिख दिया, अभी सिंपली क्या करना है, जेनरेट में क्लिक कर देना। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, कुछ जो बैकग्राउंड दिया है रिवर का, ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे हो मेरे दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो रिवर है इसे रख दूँगा, ठीक है, ये वाला मेरे को मस्त लग रहा है। अभी सिंपली किप में क्लिक कर देना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इधर जो पीछे देख रहा हूँ ना, इधर कुछ छोटा छोटा घर मेरे को बनाना है। तो क्या करूँगा, इधर कुछ इस तरह से जो ड्रॉ कर दूँगा, आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे हो। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। सिंपली इधर क्या कर देना है, होम लिख देना है, होम लिख देना। अभी सिंपली जेनरेट में क्लिक कर देना, फिर से क्रिएट करके देगा। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो, कुछ छोटा छोटा घर जो है क्रिएट करके दिया है, आप लोग देख ही पा रहे हो। तो ये क्या है पता नहीं तो ये क्या है पता नहीं, क्या है ये कमेंट करो आप मेरे को, ठीक है। तो ये वाला घर मेरे को अच्छा लग रहा है। तो अभी आपको सिंपली कीप में क्लिक कर देना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इधर जो है छोटा छोटा फ्लावर ऐड करूँगा। तो सिंपली क्या करूँगा, इस तरह से जो ड्रॉ कर दूँगा इधर सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले मेरे दोस्तों। तो ड्रॉ कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूँगा स्मॉल वाइट फ्लावर, स्मॉल वाइट फ्लावर, ठीक है। जेनरेट में क्लिक कर दूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, छोटा छोटा जो है फ्लावर का जो पेड़ है इधर आ गया। तो ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको रख देता हूँ। सिंपली कीप में क्लिक कर देता हूँ। अभी इधर भी मेरे को कुछ फ्लावर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह जो है इधर भी मैं ड्रॉ कर दूँगा,
आप लोग देख ही सकते हो, मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इधर सेम लिख दूंगा स्मॉल वाइट फ्लावर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ फ्लावर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड वाला है इसे रख दूंगा। इसके बाद आपको सिंपली कीप में क्लिक कर देना। तो अभी आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हो, अभी सिंपली ऊपर डाउनलोड में क्लिक करके इसे क्या कर देना है, सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा फोटो को इन्हेंस करना है ना, तो आप लोग इसे थोड़ा लाइट रूम में ऐड कर देना और कुछ सिनेमेटिक टोन ऐड कर देना फोटो में। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च कर देना, ठीक है। तो ये उधर आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं आपके फोटो को ओपन करके दिखा देता हूँ, फोटो कैसा लग रहा है आप लोग देख ही सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कितना ऑसम लग रहा है। तो दोस्तों ये था इसका वीडियो, आई होप वीडियो को पसंद आया, पसंद आया तो एक लाइक कर देना और आप मेरे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइक को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।